नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम पांडे इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप सबको बताऊंगा कि पेटेंट और जेनेरिक दवाओं में अंतर, पेटेंट दवाएं क्या होती हैं, जेनेरिक दवाएं क्या होती हैं, इनमें अंतर क्या होता है। तो सबसे पहले मैं पेटेंट दवा का नाम बताऊंगा। पेटेंट दवाएं होती क्या हैं, तो आज मैं आप सबको पेटेंट दवाओं के बारे में बताऊँगा, पेटेंट दवाओं और जेनेरिक दवाओं में अंतर क्या होता है। पेटेंट दवाएं वो होती हैं जैसे कि मान लीजिए कि कोई दवा, कोई मेडिसिन, कोई वैक्सीन हमने कोई साइंटिस्ट कोई कंपनी ने सर्च किया, उसकी खोज की, तो खोज करने में भाई उनको तो समय तो लगेगा ही, 3 महीने, 4 महीने, साल साल, कभी कभी वैक्सीन खोजने में बरसों लग जाते हैं। तो वो वैक्सीन खोजने में बरसों लग जाते हैं, तो उस वैक्सीन को खोजने में जितना समय लगा, जितना पैसा खर्चा हुआ, तो पूरा टाइमिंग निकाल के कंपनी लोग उसे पेटेंट करवाती हैं। जैसे WHO हो गया, जो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन का संस्थाएं हैं जो पेटेंट करती हैं, कागजी कार्रवाई जो होती है करने में जितना भाई समय करती हैं, तो कंपनी पेटेंट करवा लेती है दवा। तो जैसे 5 साल के लिए, 3 साल के लिए, 2 साल के लिए, साल भर के लिए पेटेंट करवाने के बाद उस फार्मूले, उस प्रोसीजर की दवाएँ अदर कंपनी नहीं बना सकती हैं, तो वो दवाएं आपकी पेटेंट हो गई 5 साल के लिए। जितनी जितने समय के लिए वो लोग करवाए रहेंगे, तो उतने समय के लिए वो पेटेंट रहेंगी। तो 3 साल के लिए है तो 3 साल के लिए, 5 साल के लिए है तो 5 साल के लिए, 1 साल के लिए है तो 1 साल के लिए। उसको करने के बाद जब वो पेटेंट समाप्त हो जाता है 5 साल के बाद, 3 साल के बाद, तो जो वो दवाएँ अदर कंपनी अगर बनाती हैं तो वो जेनेरिक दवा हो गई। जैसे लोग कहते हैं कि सिप्ला की दवाएँ पेटेंट हैं, एबॉट की दवाएँ पेटेंट हैं, मैनकाइंड की दवाएं पेटेंट हैं, ऐसा नहीं है, वो दवाएं भी जेनेरिक हैं, क्योंकि उस फार्मूले की दवाएं अदर कंपनियां ऑलरेडी बना रही हैं। कोई भी कंपनी हो, सिप्ला हो, रैनबैक्सी हो, जैसे आपने देखा होगा आर्गुमेंटिन CB625 mg, तो इस फार्मूले की दवाएं अदर कंपनी भी बना रही हैं। तो ऐसा नहीं माना जा सकता है कि ये दवाएं पेटेंट हैं, ये दवा भी जेनेरिक है, लेकिन कंपनी का फ़र्क है भाई, अच्छी कंपनी है, ये लोग कहते हैं कि ये पेटेंट दवा है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो पेटेंट दवा नहीं है बल्कि ब्रांड दवा है, अच्छी कंपनी की दवा है, इसलिए लोग उसे पेटेंट बोलते हैं, लेकिन पेटेंट दवा है नहीं वो, बस। पर जैसे अभी आपने देखा कि कोरोना की जो वैक्सीन आई है, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक हो गया, जैसे सीरम इंस्टीट्यूट की हो गई कोविशील्ड आपकी, तो सीरम इंस्टीट्यूट ने जब वैक्सीन की खोज किया, तो जिस प्रोसीजर, जिस फार्मूले के हिसाब से उसने कोविशील्ड बनाया, तो उसने पेटेंट करवा लिया है कोविशील्ड को। तो उस कोविशील्ड को फार्मूले में अदर कंपनियां उस फार्मूले से वो वैक्सीन नहीं बना सकती हैं। अब भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन बनाया, तो उस फार्मूले के आधार पे अदर कंपनी भी कोवैक्सीन नहीं बना सकती हैं। स्पुतनिक का भी यही रोल है, तो उसने अपनी तीनों वैक्सीन, जैसे हमने आपको बताया कोविशील्ड हो गया, कोवैक्सीन हो गया, स्पुतनिक हो गया, तीनों वैक्सीनों ने अपना पेटेंट करवा लिया है, तो इसको पेटेंट दवाएँ बोलते हैं। जब तक इनका पेटेंट रहेगा तब तक ये पेटेंट रहेंगी, उसके बाद जब इनका पेटेंट समाप्त हो जाएगा तो अदर कंपनियां भी ये वैक्सीन बनाना चालू कर देंगी। जैसे कि कोविशील्ड ने अपना रेट निर्धारित कर दिया है 350 रुपये, अब भारत बायोटेक ने इसका निर्धारित किया है 450 रुपये, तो इसमें कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी अदर कंपनियां इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती हैं कि आपने इतना रेट क्यों बढ़ाया है, क्योंकि उन्होंने अपने वैज्ञानिकों के भरोसे से, अपनी मेहनत के बलबूते इतनी कामयाबी हासिल की है, इतनी बड़ी कामयाबी, तो उसमें कोई इंटरफेयर उन्होंने इसलिए कि उन्होंने पेटेंट करवाया है, और जब तक पेटेंट रहेगा तब तक वो पेटेंट रहेंगी, उसके बाद अदर कंपनियां जब वो वैक्सीन बनाना चालू कर देंगी 5 साल या 3 साल, जितने साल तक पेटेंट करवाई रहेंगी, तब वो जेनेरिक वैक्सीन हो जाएगी। यही अंतर होता है पेटेंट और जेनेरिक का। धन्यवाद दोस्तों।